नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ड्राई मसाला। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं हम एक बारी नोट कर लेते हैं। 2 बड़े कटे हुए प्याज, तकरीबन आधा कप धनिया कटा हुआ, 2 बड़े कटे हुए टमाटर, तकरीबन 500 से 750 ग्राम चिकन और बटर, दही, तकरीबन 1 से 1.5 कटे हुए नींबू, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और गरम मसाला। सबसे पहले पैन में तेल ले लीजिए, तेल को गरम कर लीजिए और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लीजिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद उसमें लाल मिर्च ऐड कर लीजिए। जैसे ही लाल मिर्च आप डालें इसमें, उसके तुरंत बाद आपका जो चिकन है उसे ऐड कर लें और आपका जो फ्लेम है गैस का उसे तेज कर लीजिए। बहुत ही सिंपल डिश है और झटपट बन जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता। फ्लेम को बस हाई रखिएगा इसमें। चिकन को पलटते रहिए ताकि दोनों तरफ से चिकन फ्राई हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट चिकन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब इसमें जीरा ऐड कर लेते हैं। जीरा ऐड करने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज डाल लेते हैं। प्याज ऐड करने के बाद जितने हमारे सूखे मसाले थे उन्हें ऐड कर लेते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला ऐड करने के बाद मसालों को इनको मिक्स कर लीजिए। अब चिकन में थोड़ी दही ऐड कर लेते हैं। दही ऐड करने के बाद चिकन को मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं दही को चिकन के साथ। थोड़ी देर के लिए चिकन को ढक लेते हैं। ढक्कन उठा के देख लेते हैं। हाँ, अब आप अपने गैस को थोड़ा स्लो कर लीजिए। अब इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मक्खन ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया है। देखिए ग्रेवी अपने आप बन रही है इसकी। ऑल्दो ये हमारा ड्राई चिकन होगा, मगर टमाटर की जो ये ग्रेवी है, ये टमाटर ने पानी छोड़ा है, इसे हम थोड़ा सुखा लेंगे। ये देखिए ग्रेवी जो है सूखनी शुरू हो गई है। बस ऐसे ही करके इसके ऊपर ऐसे डालते रहिए। चिकन जो है वो पक चुका है और इस ग्रेवी भी बन चुकी है। अब इसमें धनिया जो है ऐड कर लेते हैं। इसमें धनिया हमने पहले ही ऐड कर लिया है। धनिया अपना फ्लेवर पहले ही दे देगा बटर के साथ। थोड़ा धनिया अगर आप चाहें तो बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं जब आप गार्निश करें। ऐसे चिकन ड्राई मसाला अच्छे से बन चुका है। थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें नींबू ऐड कर लेते हैं। चिकन ड्राई मसाला तैयार है। इसे गार्निश आप थोड़ा प्याज डाल के और हरा धनिया डाल लीजिए।
ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।